अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ औरत या लड़की को हम बिस्तरी के लिए तैयार करने का नुस्खा। हींग 2 ग्राम अगर किसी औरत या लड़की को पिलाएं तो वो फौरन शलवार उतार देगी। हींग 2 ग्राम कैसे पिलानी है इस वीडियो में मैं बताती हूँ। हर औरत की दिली तमन्ना होती है कि वो खूबसूरत नज़र आए और इसका शोर उससे हमेशा प्यार करता रहे, वो हमेशा जवान नज़र आए, उनके शोर उनको जवान जवान लड़की समझे और जवान लड़की की तरह प्यार करे। इससे और जवान लड़की की तरह की हम बिस्तरी भी करते रहें। बाकी दुनिया में शायद ही कोई मर्द ऐसा होगा जो अपनी बीवी से लड़ाई ना करता हो, लेकिन असल मामला तो लड़ाई के बाद बीवी को मनाने का होता है। ज़्यादातर मर्दों का लड़ाई के बाद औरत से सेक्सी करने का दिल करता है, मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि बीवी पहले अपने दिल की बड़ास निकालती है और उसके बाद भी बहुत देर तक नखरे करती रहती है। औरत चाहती है कि मर्द औरत से माफ़ी मांगे, इसलिए मर्द को चाहिए कि लड़की लड़ाई के बाद औरत से माफ़ी मांग ले। लड़ाई के बाद औरत जब बिस्तरी करती है तो उसका दिल उस तरफ नहीं होता, तो वो जल्द गर्म नहीं होती, इसलिए उसको गर्म करने का नुस्खा आप लोगों की खिदमत में लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को औरत को फुल गर्म करने का तरीका बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल के बाद औरत इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि फौरन मर्द के साथ लिपट जाएगी कि मुझे नहीं पता, मेरी फाड़ दो, मुझे बस नफ्स दो। जिसके बाद वो मर्द को खुद ही ढूंढती है, वो सारी रात मर्द की चीखें निकलवाती है। मर्द की भी इस रात कई बारियां लग जाती हैं। तरकीब तैयार, इस्तेमाल हींग 2 ग्राम को 1 गिलास दूध के साथ मिक्स करके किसी औरत या लड़की को पिलाएं तो फौरन इसमें जिनसी तलब पैदा होगी। मर्द के लिए हींग के फायद, हींग को मुनासब मकदार लें और शहद खालिस में हल करके एज़ू खालिस पर तलहा करें। एज़ू खास की सख्ती के लिए हद मफीद है। लंबी देर तक हम बिस्तरी करनी है तो ये काम करें, नफ्स इतना सख्त के औरत की कड़क निकाल दे। आप लोगों को इसके बेहतरीन फ़वाद हासिल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी आपकी मोहब्बतों।